बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गर्दन की स्याही 20 मिनट में ख़त्म करने का डॉक्टर उमेरा हील का जादुई टोटका। नाज़रीन, हम अपने चेहरे, हाथों, पैरों और जिस्म के दूसरे हिस्सों की रंगत साफ़ सुथरी और गोरी करना चाहते हैं, और इसके लिए हम कई मुख्तलिफ टोटके भी आजमाते हैं, जिनसे वक्ती तौर पर तो रंगत में निखार आ जाता है, लेकिन बाद में फिर जिल्द की बुरी हालत हो जाती है और फिर हम परेशान हाल दूसरे टोटके इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन, हम हाथों, पैरों और चेहरे की रंगत के लिए परेशान तो होते ही हैं, लेकिन गर्दन की रंगत को भूल जाते हैं। गर्दन भी हमारे जिस्म का ऐसा हिस्सा है जिसको हिफाजत की भी ज़रूरत होती है। बेशक गर्दन बालों के नीचे छुपी होती है, लेकिन इस पर मैल वगैरह पड़ती है और हम इसको साफ़ करने के लिए कोई ख़ास तवज्जो नहीं देते। नाज़रीन, गर्दन भी हमारे जिस्म का हिस्सा है, इसकी भी सफाई का ख्याल रखा जाए ताकि ये भी जिस्म के बाकी हिस्सों की तरह साफ़ सुथरी, मैल से पाक और गोरी नज़र आए। नाज़रीन, आज हम आपको गर्दन की मैल 20 मिनट में साफ़ करने का डॉक्टर उमेर राहिल का एक बेहतरीन जादुई टोटका बताएंगे, जिसके करने से आप अपनी गर्दन जिस्म के बाकी हिस्सों की तरह चमका सकते हैं। नाज़रीन, वो टोटका ये है। एक अदद अंडे की सफ़ेदी लें, उसमें 2 चम्मच लीमू का रस मिलाएं। नाज़रीन, एक अदद अंडे की सफ़ेदी लें, उसमें 2 चम्मच लीमू का रस मिलाएं। इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके अपनी गर्दन पर 20 मिनट तक लगा रहने दें और इसके बाद नीम गर्म पानी से मसाज की सूरत में साफ करते जाएं। नीम गर्म पानी के इस्तेमाल से जिल्द के मसाम बंद हो जाते हैं। नाज़रीन, इस टोटके को आपने 1 माह तक ज़रूर जारी रखना है और फिर देखें कमाल। नाज़रीन, हमारी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।